पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ एलईडी लाइट। अन्य एलईडी लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ एलईडी बल्ब अपनाएं। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नदी के तटों पर भगवान श्री गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए भीड़ जुटी। गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष से अंचल गूंजता रहा। नगर में दिन भर ढोल नगाड़ों के साथ रंग गुलाल उड़ाकर भक्तों ने अपने प्यारे बाप्पा को विदाई दी। हर साल की तरह इस साल भी अनंत चतुर्दशी की भोर पर शहर के गणेश मठ में विराजे भगवान गणेश की विदाई यात्रा निकाली गई। सैकड़ों भक्त विदाई की बेला पर उपस्थित थे। गुजरी बाजार चौक से बैंड बाजे के साथ पटाखे फोड़ते हुए जाम नदी के तट पर यह यात्रा पहुंची। यहां आरती कर गणेश प्रतिमा का विसर्जन हुआ। अंचल की वर्धा नदी, जाम नदी, मोही जलाशय सहित विभिन्न स्थानों पर गणेश भगवान की प्रतिमाएं विसर्जित हुई। प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर अलर्ट नजर आया। ग्राम पंचायत छाबड़ी के अंतर्गत कुर्सीढाना गांव तक 3 किलोमीटर सड़क नहीं बनने से गांव वालों को स्वस्थ शिक्षा की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। गांव वालों ने बताया कि 40 वर्षों से शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उबड़ खाबड़ सड़क के साथ ही बड़े बड़े पत्थरों से होकर गांव वालों का आवागमन बहुत मुश्किल से हो रहा है। गर्भवती महिलाओं को खटिया पर रखकर ग्राम छाबड़ी तक लाना पड़ता है, जिसके बाद एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। सर, ये रोड काफी दिनों से बहुत ज्यादा खराब, स्कूल जाने में हम लोग जैसे बचपन से स्कूल जा रहे हैं, बाहर 7-8 किलोमीटर बस के लिए जाना पड़ता है। अगर बारिश हो जाती है तो रोड बिल्कुल झरझर हो जाता है। हमें मतलब गांव से रोड तक जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर बारिश अगर ज़्यादा हो गई या गर्मी के टाइम में भी अगर रोड में गड्ढे हो गए तो एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती घर में। तो अगर डिलीवरी के लिए अगर ले जाना पड़ता किसी महिलाओं को तो रोड तक खटिया में लिटा के या मतलब किसी मतलब बैलगाड़ी के साधन से जैसे तैसे रोड तक पहुँचाया जाता है। मेट जैसे मेट रोड से बोर पानी ये रोड टच है, जिसमें ये रोड में बहुत गड्ढे है, रोड सफा नहीं है। इसके लिए कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहे, इससे हमको ये रोड सफर होना अच्छा हो जाने को ना पक्का। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह कुसरे और तेजस सुरजूसे ने गांव में पहुंचकर इस समस्या को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। प्रशासन से सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। आज जो शासन जो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहा है, आज पूरा गांव आक्रोशित है। और अगर इसको तत्काल इस रोड को अगर नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में पूरी मेरी मातृशक्ति, पूरे मेरे यहाँ के बुजुर्ग और ग्रामीण लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे और आगामी समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूरी करो रोड नहीं तो रोड नहीं।